हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड में ट्रेड वाइज अप्रेंटिसिस रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसमें टोटल पदों की बात करें दोस्तों तो 127 इसमें पोस्ट रखी गई है। बाकी दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए आपकी, इसमें सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, ऑनलाइन फॉर्म इसका कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसका पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में जो कि इसका विषय देखें तो व्यवसाय शिक्षा के लिए प्रशिक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व आईटीआई यानी कि दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्स आईटीआई वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें आगे क्या बताया गया देख लेते हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल अब मिनी रत्न कैटेगरी यानी कि दोस्तों मिनी रत्न की कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी के बारे में बताया गया है कि यह किस किस प्रकार के क्या क्या इसमें बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। फिर दोस्तों, इसमें आगे है बीडीएल भानूर इकाई संगो रेड्डी में शिक्षुता नियम 1961 यानी कि दोस्तों अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग जो है 1961 के तहत यह नोटिफिकेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं इसमें। फिर दोस्तों, इसमें ट्रेड वाइज वैकेंसी हम देख लेते हैं क्या कितनी रखी गई है, वो हम यहाँ नीचे देख लेते हैं दिया गया है। तो सबसे पहले ट्रेड है और फिर देखती है यानी वैकेंसी इसमें टोटल कितनी है। फिटर वालों के लिए दोस्तों 35 पोस्ट है, मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 8 पोस्ट रखी गई है, मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट है, फिर वेल्डर के लिए 5 पोस्ट रखी गई है, मैकेनिकल डीजल के लिए 2 पोस्ट, वहीं इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 पोस्ट, टर्नर के लिए 8 पोस्ट, कोपा वालों के लिए 20 पोस्ट, प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट, आर एंड एसी के लिए, रेफ्रिजरेटर और एसी वालों के लिए दोस्तों 2 पोस्ट, एलएसीपी के लिए 2 पोस्ट। टोटल पदों की संख्या 117 इसमें रखी गई है। फिर दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम तो 10वीं पास आपके पास होना चाहिए, साथ ही दोस्तों संबंधित ट्रेड से आईटीआई भी आप उत्तीर्ण हो तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें एज लिमिट की बात की गई है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम जो है आपकी एज 14 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है इसमें 30 साल रखी गई है, वो भी दोस्तों 31/10/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 14 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। फिर दोस्तों, यहाँ आगे कैटेगरी वाइज एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी, तो यहाँ दिया गया है। आर्मी में छूट की बात करें रिलैक्सेशन कैटेगरी, तो सबसे पहले एससी के लिए दोस्तों 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, एसटी के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, जनरल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज में रिलैक्सेशन, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है 13 साल का एज में रिलैक्सेशन, एसटी एससी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 15 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर आपको इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ इसका ऑनलाइन पोर्टल जो कि दिया गया है और दोस्तों इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग अप्रेंटिसशिप इन पोर्टल नीचे लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है जो कि दोस्तों पोर्टल है यहाँ अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन, इसके माध्यम से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों सबसे पहले यहाँ जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो नीचे बताया गया है। फिर दोस्तों यहाँ आगे बताया व्यक्ति विवरण संपर्क विवरण यानी दोस्तों अपनी पूरी डिटेल यहाँ भरना है, फिल करना है। नीचे ये सारी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एकेडमिक टेक्निकल, ट्रेड परफॉर्मेंस डिटेल्स, ये सारी डिटेल आपको भरना है। फिर दोस्तों इसमें आगे अभ्यर्थी द्वारा अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो यानी आपको एक पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र यानी 10th की जो मार्कशीट है उसको और आईटीआई की अनुसूची अनिवार्य रहेगी, ये आपको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है अपलोड की जानी चाहिए 10वीं कक्षा एसएससी आईटीआई की अनुसूची के बिना पंजीकृत स्वीकार, यानी कि दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट और आईटीआई का अगर मार्कशीट स्कैन करके नहीं लगाते हैं तो ये आपका जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द एबव क्लिक ऑन आधार वेरिफिकेशन, यानी कि दोस्तों ये डिटेल भरने के बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों क्लिक करने के बाद, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, वंस आधार वेरिफिकेशन यानी एक बार फिर से आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। फिर सफलतापूर्वक अप्रेंटिसशिप एक्टिवेशन गतिविधि पूरा करने के पश्चात सिस्टम द्वारा प्रांजित ऑटो मेल अभ्यर्थी द्वारा अप्रेंटिसशिप एविएशन पेज पर पंजीकृत ईमेल आईडी को भेजी जाएगी, यानी आपको मेल पर भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर दोस्तों इस मेल में अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या होगी जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसी मेल पर आपको दिया जाएगा, और देश के विभिन्न संगठनों में शिक्षुता के लिए आवेदन करने संबंधी लिंक भी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि दोस्तों जहाँ जहाँ अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ वहाँ इसका लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसी के माध्यम से आपको आगे फॉर्म अपना अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है अभ्यर्थी इस्टेब्लिशमेंट सर्च कर चयन भारत डायनेमिक लिमिटेड बहानपुर, आपको इसमें सर्च करना है और उसके बाद आपके सामने आ जाएगा, तो फिर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आगे है इस्टेब्लिशमेंट सर्च करने के बाद आपको एंड सेलेक्ट भारत डायनेमिक लिमिटेड इस वाले ऑप्शन पे सर्च करके क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ आपको एंड अप्लाई करना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया रहेगा, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है पंजीकरण के समय आधार कार्ड नंबर ठीक से एंटर करना होगा, यानी अपना आधार नंबर सही से आपको डालना है पंजीकरण के समय, नाम, जन्मतिथि, ये सारा चीज़, 10वीं की मार्कशीट, अपना जो आपकी एक मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको सही से पंजीकरण डालनी है, गलत कुछ चीज़ नहीं डालना है। फिर दोस्तों 11/11/2024 से पूर्व यानी लास्ट डेट जो है इसकी 11/11/2024 तक है, तो सब
उसके पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ आगे दिया गया है अपलोड की गई अभ्यर्थी की फोटो जो है वो मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आपको फोटो वोटो जी दी जाएगी। फिर इसमें चयन प्रक्रिया प्रशिक्षुता यानी कि चयन आपका कैसा किया जाएगा ये बताया गया है। तो यहाँ चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बेस्ड ऑन मेरिट बेस, यानी दोस्तों मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा आपके 10th में, और जो ITI है उसमें कितने मार्क्स हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसी को सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। स्टीपेंड की बात की है कि स्टीपेंड आपको कितना दिया जाएगा, तो यहाँ बताएगा ट्रेनिंग स्टीपेंड जो कि आपको ITI एक जो कि आपको अरेंज इन अकॉर्डेंस टू द स्टैंडर्ड्स एंड सिलेबस फिजिकल सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के तहत आपको जो स्टीपेंड है वो दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें अन्य शर्तें दी गई हैं, जहाँ शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधी मूल प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। दिए गए इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा के बाद विद्यार्थी जो है वो लोग इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल ITI वाले जो है वही लोग इसको आवेदन कर पाएंगे। और इसमें आगे है नो TDA, मतलब कि दोस्तों इसमें TDA वगैरह नहीं पेट किया जाएगा आपको, केवल और केवल स्टीपेंड जो है वही दिया जाएगा। और इसका फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों 11/11/2024 तक आपको इसके फॉर्म की लास्ट डेट है, तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें, उसके बाद यह फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो जो लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हों और ITI जिनकी कंप्लीट हो और साथ ही इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हों वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो BDL/India.in के माध्यम से, ये जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आप ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर भी सकते हैं, या फिर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही ग्राउंड जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।